नमस्कार, वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल के क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज ये 43वां पार्ट है और इस 43वें पार्ट के साथ ही हम 20 नए क्वेश्चन और गैस वेल्डिंग कटिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पत्थर होता है जो कैल्शियम व कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम 65.5% होता है व कार्बन 37.5% होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कैल्शियम व कार्बन दोनों रहते हैं। दोनों की जो मात्रा है, कैल्शियम की 62.5% मात्रा होती है और कार्बन की 37.5% मात्रा होती है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम एसिटिलीन गैस को जनरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिलीन सिलेंडर का सामान्य ताप कितना होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एसिटिलीन सिलेंडर की सुरक्षा के लिए लगे फ्यूज प्लग में क्या भरा होता है। व्हाट फिल इन फ्यूज प्लग वो प्रोटेक्ट द एसिटिलीन सिलेंडर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेड अलॉय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिलीन सिलेंडर का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, डीए सिलेंडर। यानी कि एसिटिलीन सिलेंडर को हम डीए सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसिटिलीन गैस बनाने के लिए दो प्रकार के गैस जनरेटर काम में लिए जाते हैं, जिनमें से मीडियम प्रेशर जनरेटर कौन सा होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर आर यूज टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस, विच जनरेटर इज मीडियम प्रेशर जनरेटर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कार्बाइड टू वाटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एसिटिलीन गैस को ले जाने के लिए पाइप के रूप में तांबे का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। व्हाई द कॉपर इज नॉट यूज एज ए पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिटिलीन गैस, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, तांबा एसिटिलीन गैस के साथ मिलकर विस्फोटक क्रिया करता है, इसलिए हम एसिटिलीन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉपर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गैस वेल्डिंग में लेफ्ट और वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते समय गैस वेल्डिंग टॉर्च को कितने डिग्री कोण पर रखते हुए वेल्डिंग करते हैं। इन गैस वेल्डिंग व्हील यूजिंग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, हाउ मच डिग्री ऑफ एंगल कीप ऑफ गैस वेल्डिंग टॉर्च, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 60 to 70 डिग्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गैस वेल्डिंग में राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करने के लिए वेल्डिंग किस तरफ से आरंभ करेंगे। फ्रॉम विच साइड द गैस वेल्डिंग स्टार्ट टू यूज राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इन गैस वेल्डिंग, यानी कि अगर हम राइटवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो वेल्डिंग किस तरफ से आरंभ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाई ओर से। यानी कि अगर हम राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं तो लेफ्टवर्ड लेफ्ट साइड से हम गैस वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ गैस वेल्डिंग करते हुए वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, गैस वेल्डिंग टॉर्च का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ गैस वेल्डिंग टॉर्च? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गैस वेल्डिंग में फ्लेम कटिंग करते समय इनर कोन को जब जॉब की सरफेस से कितना ऊपर उठाकर कटिंग कार्य करना चाहिए? विल डूइंग फ्लेम कटिंग इन गैस कटिंग, हाउ मच अबोव द सरफेस ऑफ द जॉब शुड द इनर कोन बी राइज फॉर कटिंग? यानी कि गैस कटिंग जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि टॉर्च के आगे इनर कोन बनता है, फ्लेम का क्या बनता है, इनर कोन। तो उस इनर कोन और काटे जाने वाले जॉब के सरफेस के बीच में कितना गैप रख कर हम गैस कटिंग करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1.5 mm गैप हम इनर कोन और सरफेस के बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गैस कटिंग में फ्लेम कटिंग करते समय कटिंग नोजल को जॉब के सरफेस से कितना ऊपर उठाकर कटिंग कार्य करना चाहिए? विल डूइंग फ्लेम कटिंग इन गैस कटिंग, हाउ मच अबोव द सरफेस ऑफ द जॉब शुड द कटिंग नोजल बी राइज्ड फॉर कटिंग? पहले हमने इनर कोन और सरफेस के बीच का गैप पढ़ा था, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि नोजल और सरफेस के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। गैस कटिंग करते समय नोजल और सरफेस के बीच में कितना गैप होता है? तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 5 mm। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गैस कटिंग में जॉब को काटने के लिए पहले जॉब को थोड़ी देर गर्म किया जाता है जिसे ब्रेटिंग कहते हैं, तो इसके लिए कौन सा फ्लेम उपयोग किया जाता है? इन गैस कटिंग द जॉब इज फर्स्ट हीटेड फॉर ए विल टू कट द जॉब विच इज कॉल्ड प्री हीटिंग, सो विच फ्लेम इज यूज फॉर दिस? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा गैस कटिंग करने से पहले हम जॉब को थोड़ी देर फ्लेम से गर्म करते हैं और जब वो लाल गर्म हो जाता है तब उसके ऊपर कटिंग करते हैं। तो जो पहले गर्म किया जाता है वो किस फ्लेम के द्वारा किया जाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन के जलने से। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन? तो सीधी से बात है, कार्बन के जलने से जो हमें गैस प्राप्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भार के आधार पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 90%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिलीन गैस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? व्हाट इज ग्रेविटी ऑफ एसिटिलीन गैस? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 0.91। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एसिटिलीन गैस किस तापमान पर जम जाती है? विच टेम्परेचर द एसिटिलीन गैस बिकम सॉलिड? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, माइनस 85 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिलीन गैस सॉलिड बन जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन गैस किस तापमान पर तरल अवस्था में आ जाती है? एट विच टेम्परेचर द हाइड्रोजन गैस बिकम इन सॉलिड स्टेट? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी लिक्विड स्टेट किस टेम्परेचर पर आती है? इसमें हमारा राइट आंसर है -118 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम -118 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो यह लिक्विड बन जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस तरल रूप से तेल शोधक कारखानों से प्राप्त होती है? विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल रिफाइंड प्लांट? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस जो है हमें
तेल शोधक कारखाने यानी कि ऑयल रिफाइन प्लांट से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस किस प्रेशर पर भरी होती है? एट व्हाट प्रेशर इज द हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन द सिलेंडर? जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 14 केजी प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन गैस हवा से कितना गुना भारी होती है? हाइड्रोजन गैस इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर फ्रॉम एयर? इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 14.37। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है और आप भी अपनी पसंद के क्वेश्चन चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे जरूर कमेंट करें। ठीक है, नमस्कार।